भारत छोड़ो आंदोलन की 82वीं वर्षगांठ अगस्त क्रांति के अवसर पर अल्मोड़ा के ऐतिहासिक जेल में आज आज़ादी के वीर सपूतों को याद किया गया। अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर साल भर के बाद आज जिला कारागार को आम जन के लिए खोला गया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी, प्रशासन और जेल के अधिकारियों ने आज़ादी के वीर सपूतों को श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। आपको बता दें कि अल्मोड़ा की ऐतिहासिक जेल आज़ादी के आंदोलन की गवाह रही थी। जिला जेल में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत, विक्टर मोहन जोशी सहित कद्दावर आज़ादी के वीर सपूत बंदी रहे, जबकि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम से यहाँ पर एक नेहरू वार्ड भी बनाया गया है। नेहरू वार्ड में नेहरू पुस्तकालय, रसोई है। नेहरू वार्ड में जवाहरलाल नेहरू की चारपाई, लोटा, थाली, कुर्सी और चरखा आज भी याद के रूप में संजोया गया है। अल्मोड़ा जिला जेल में सुरक्षा कारणों के चलते नेहरू वार्ड में जाना मना है। आम जनता के लिए केवल अगस्त क्रांति के दिन जेल का नेहरू वार्ड खोला जाता है। स्थानीय जनप्रतिनिधि और जनता स्थानीय जेल को ऐतिहासिक धरोहर घोषित करने की मांग कर रही है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। ये तो एक तीर्थ स्थल है, इसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सरकार ने तत्काल घोषित करना चाहिए ताकि देश के लोग इस स्मारक के दर्शन कर सकें, इस भूमि के दर्शन कर सकें और पर्यटकों के लिए भी इस जेल को खोला जाना चाहिए ताकि हमेशा पर्यटक इस जेल को का में आ सकें और इस देश के जो स्वतंत्रता संग्राम के जो पृष्ठ हैं उनको पढ़ सकें, उनको देख सकें और जो इतिहास इसके पीछे छिपा हुआ है उसका कर सकें। शोधार्थियों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक दस्तावेज है। ये जेल एक दस्तावेज के रूप में है जिसमें आप देखिए तमाम महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम अंकित हैं।